आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन है, कृपया शांतता बनाए रखिए। दीक्षांत समारोह की शुरुआत थोड़ी ही देर में होने वाली है, कृपया अपने अपने स्थान पर बने रहिए।
तदनुसार नमस्कार 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 कुठे मुंबई पुणे से सुरुवात झाली इनॉग्रेशन इकडे कोकण पट्टीला नाही आहे पण पाऊस असल्यामुळे प्रॉब्लेम आहे पाऊस असल्यामुळे फारच प्रॉब्लेम आहे माननीय दादा आणि माननीय उदय सामंतला नमस्कार 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 एक दोन मिनिटात सुरू होईल हो सुस्वागतम आज सोमवार 19 जून 2023 को महाराष्ट्र राज्य के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लोणेरे के 25वें दीक्षांत समारोह में सभी अतिथिगण एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे कि हम सब जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाए गए स्वराज्य की राजधानी श्री किले रायगढ़ की तलहटी में स्थित तथा अनेक उपाधियों से विभूषित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ये विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रगीत महाराष्ट्र गीत एवं विश्वविद्यालय गीत के सम्मान हेतु आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
हिंदू मनाता सिंधु हुई तो हिंदू मनाता सिंधु हुई तो न्याल रवि ने तिमिर हराया न्याल रवि ने तिमिर मन करुणे अम्बेडकर
तंत्र शिक्षा विश्वविद्यालय तथा माननीय कुलपति जी की ओर से प्रोफेसर वाई एन पाटिल जी से विनम्र अनुरोध है कि वे सम्माननीय कुलाधिपति महोदय श्री रमेश जी बैस का स्वागत एवं सत्कार विश्वविद्यालय की शॉल एवं सम्मान चिन्ह देकर करें। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर तंत्र शिक्षा विश्वविद्यालय तथा माननीय कुलपति जी की ओर से श्री कुलकर्णी सर आज के प्रमुख अतिथि माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय जी का स्वागत एवं सत्कार विश्वविद्यालय की शॉल और सम्मान चिन्ह देकर करें। धन्यवाद सर। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर तंत्र शिक्षा विश्वविद्यालय तथा धन्यवाद सर। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर तंत्र शिक्षा विश्वविद्यालय तथा माननीय कुलपति जी की ओर से रायगढ़ के पालक मंत्री तथा उद्योग मंत्री आज के विशेष अतिथि उदयजी सामंत साहब का शब्द समूह से हार्दिक हार्दिक स्वागत। थैंक यू। अब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर तंत्र शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि वे सम्माननीय कुलाधिपति महोदय जी से विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की कृपया अनुमति प्राप्त करें। ऑनरेबल चांसलर सर, आई रिक्वेस्ट यू टू डिक्लेयर द कन्वोकेशन ओपन। मैं 25वें दीक्षांत समारोह के आरंभ की विधिवत घोषणा करता हूँ। माननीय कुलसचिव महोदय जी से निवेदन है कि वे माननीय कुलपति महोदय जी से विश्वविद्यालय का प्रगति अहवाल प्रस्तुत करने के लिए कृपया अनुरोध करें। ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्रेजेंट दी प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। पदवी और पदविका के पुरस्कार के लिए उम्मीदवारों को प्रस्तुत करने दें। छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पावन स्मृति को मैं सर्वप्रथम नमन करता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के आज के 25वां दीक्षांत समारोह का अध्यक्ष होते नाते महाराष्ट्र राज्य के सम्माननीय राज्यपाल महोदय और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री रमेश जी बैस साहब, उच्च एवं तंत्र निकेतन शिक्षा मंत्री और आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल, पालक मंत्री रायगढ़ और उद्योग मंत्री श्री उदयजी सामंत साहब, कार्यकारी परिषद और विद्या परिषद के सभी सम्माननीय सदस्य, आमंत्रित अतिथिगण, स्नातक छात्र और उनके माता पिता, मेरे सब शिक्षक और शिक्षकोत्तर सदस्यगण हो, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि, दीवियों, सज्जनों और प्यारे छात्रों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक सौहार्दपूर्ण स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1989 में हुई थी इनोर्जरी यूनिवर्सिटी के माध्यम से। महाराष्ट्र शासन ने 2014 में इस यूनिवर्सिटी का ऑफिलेटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी पर महाराष्ट्र की निर्मित की और मार्च 2016 से यह यूनिवर्सिटी पूरे महाराष्ट्र की एक तकनीकी यूनिवर्सिटी ऑफिलेटिंग यूनिवर्सिटी बन चुकी। मुझे आपको बताती हुई खुशी हो रही है कि वर्तमान में 68 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 197 फार्मेसी कॉलेजेस, 6 आर्किटेक्चर, 2 HMCT संस्थाएं, कुल मिला के 200 लगभग 73 संस्थाएं विश्वविद्यालय से ऑफिलेटेड संबंधित है। वर्तमान में विश्वविद्यालय की छात्र संख्या लगभग 1,38,367 है और अगले 4 वर्षों में ये दौराना दुगना होने की हमें उम्मीद रखते हैं। विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, वास्तुकला, होटल प्रबोधन और खान पान के विषयों में करीब करीब 65 UG, 66 PG और 15 PG के कार्यक्रम का प्रदान किया जाता है। मुझे विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय आने वाले चंद दिनों में इसमें और बढ़ोतरी करेगी। इस विद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य है। विश्वविद्यालय का मुख्यालय लोनेरी के पावन छत्रपति शिवाजी महाराज के राजधानी के स्थान के तहलेटी पे है। मुंबई, पुणे, संभाजीनगर और नागपुर में इस विद्यालय के 4 क्षेत्रीय केंद्र होंगे। 5 उपकेंद्र कोल्हापुर, सोलापुर, अमरावती, नांदेड़ और जलगांव में है। विश्वविद्यालय ने पहले ही संभाजीनगर, नागपुर, पुणे क्षेत्रीय और कोल्हापुर, सोलापुर, जलगांव में उप क्षेत्रीय स्थापित कर चुके हैं। आने वाले 3 दिनों में यह विश्वविद्यालय में पूर्ण विकसित विद्यालय का नया आकार लेगा। मुझे यह बताने में बड़ी गौरव की बात है कि माननीय उदय साहेब साहब, तत्कालीन शिक्षा उच्च शिक्षा मंत्री और अभी के माननीय दादा, इन्होंने महत्व प्रयास है ये यूनिवर्सिटी का उप केंद्र और रीजनल सेंटर को बढ़ोतरी देने के लिए बहुत सारी योजनाएं हमें प्रस्तावित कर चुके हैं। उनका मैं सही रूप से आग्रह करता हूँ। विश्वविद्यालय के परिसर में 8 डिप्लोमा, 1 उन्नत डिप्लोमा, 9 BTEC, 9 MTEC कार्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक संबंध और संस्था विज्ञान के विभिन्न विषयों में PhD का कार्यक्रम भी प्रदान किया जाता है। इस दीक्षांत समारोह में करीब 2,200 डिग्रियां और डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे, जिनमें 13 PhD, 592 MTEC, MPharm, MArch, 2,103 BTEC, BPharma और BArch 101, BHeuk 339 डिप्लोमा और 19 एडवांस डिप्लोमा शामिल है, जिसमें 76 गोल्ड मेडल भी प्रस्तावित किए जाने वाले हैं। महोदय, मुझे आपको बताते हुए ये प्रसन्नता होती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से बारे में जागरूकता निर्माण करने वाला हमारा विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय रह चुका है। हमें NMP के अनुसरण विभिन्न स्तरों को लागू किया, जैसे कि UG कार्यक्रमों में बावजूद किसी भी PG कार्यक्रम में प्रवेश, मल्टीपल एंट्री सुविधा, पूरी तरह से विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, क्रेडिट ट्रांसफर के लिए अकादमी बैंक, अकादमी बैंक ऑफ क्रेडिट, ऑनर्स और माइनर डिग्री, 6 महीने की औद्योगिक इंटर्नशिप, अंतः PG कार्यक्रम, NEP पोर्टल पे मार्कशीट और डिग्री प्रमाण की उपलब्धि, सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ पाठ्यक्रम का विकास, अनिवार्य क्रेडिट का अलावा सभी विषयों के लिए AI और साइबर सुरक्षा जैसे अनिवार्य पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। 20 तक के अनिवार्य पाठ्यक्रम और 20 तक के पाठ्य विकल्प अनुभव भी हमने अंदर AICT के अंदर चुने हैं। NEP का मुख्य उद्देश्य क्वालिटी इंप्रूवमेंट और एक्सेस टू इक्वालिटी फॉर ऑल, ये हमारा महत्वपूर्ण विकास है, जिसमें हमने अभी तक एकेडमिक बैंक और क्रेडिट कार्ड और डिजी लॉकर में पूरी डिग्रियां उपलब्ध की है। आज मुझे बड़ा हर्ष होता है कि हमारे दोस्तों और पूरे टीम ने और एग्जाम के पूरे सहायकों ने आज का डिग्री का दीक्षांत समारोह होती हुई ही माननीय कुलाधिपति के अनुरोध के बाद ये डिग्रियां सभी छात्रों को ऑनलाइन डिजी लॉकर में उपलब्ध होने वाली है। NEP 2020 में सभी के लिए 36 भाषाओं की शिक्षा की परिकल्पना की गई, जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक छात्र समकक्ष और सक्षम हो और राष्ट्रीय वृद्धि और विकास की दिशा में योगदान करने की स्थिति हो। मुझे और एक बात बताने में बहुत आनंद हो चुका है, होता है कि AICT ने मराठी क्षेत्रीय भाषा में तकनीकी पुस्तकों का अनुवाद के लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए हमारे विश्वविद्यालय का राज्य का नोडल केंद्र चुना है और हमने अभी तक इस नोडल केंद्र के माध्यम से डिप्लोमा की 20 किताबों का भाषांतर मराठी भाषा अनुवाद किया है और करीब 90 पुस्तकों का अनुवाद किया जा रहा है। इस साल से हमारी उम्मीद है कि हम BTEC का फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा का प्रोग्राम भी मराठी माध्यम के माध्यम से शुरू करने की हमारी कोशिश है। हमारे विश्वविद्यालय की प्रतीक चिन्ह में ही है कि तत्वज्ञानतः विकास, टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विश्वविद्यालय का ध्येय धोरण स्वयं प्रकट होता है। आने वाले शैक्षणिक वर्ष में हमारी नीति कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रबंधन अध्ययन के लिए औद्योगिक पर ध्यान केंद्रित करेगी।
इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और विश्वविद्यालय के अधिनियम 214(59)(1) के अनुसार विश्वविद्यालय के निम्नलिखित स्कूल स्थापित करने का फैसला हमारे अथॉरिटी ने ले चुके हैं। इन 6 स्कूलों का विश्वविद्यालय के परिसर में आने वाले 23-24 साल में शुरू करने का हमारा प्रयास है, जहाँ द स्कूल ऑफ द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, द स्कूल ऑफ द हेल्थ साइंस, द स्कूल ऑफ द मैनेजमेंट स्टडीज, द स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस, द स्कूल ऑफ मरीन साइंस एंड द स्कूल ऑफ द अर्थ साइंस, जहाँ हेल्थ केयर, अध्यापन और अध्ययन, लैंग्वेज रिजेन्यूएशन, जियो स्पेटल टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम का अध्ययन चयन प्रदान हो जाएगा। मुझे बताने में खुशी होती है कि AICTE और भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति के प्रस्तावन किया है उसमें नए कुछ प्लान हमें दिए हैं। लास्ट ईयर AICTE ने हमें BTEC इन विजुअलाइज डिजाइन टेक्नोलॉजी, MTEC इन साइबर सिक्योरिटी, MTEC इन रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और MBA इनर्सन एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम दे चुके हैं। हमारे ऑफिलेटर कॉलेजों में MBA और MCA का प्रोग्राम होता हुए इस साल नए नीम के रखते हुए 5G टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत सारा रोजगार निर्माण करेगी, और इसीलिए AICTE ने MTEC वेजल डिजाइन टेक्नोलॉजी, MTEC एडवांस कम्युनिकेशन 5G टेक्नोलॉजी, BTEC इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इन मराठी लैंग्वेज एंड MCA इन एप्लीकेशन, इन प्रतिविषयों का हमें अपेक्षा है। चंद दिनों में AICTE अप्रूव आने के बाद महाराष्ट्र शासन हमें इसे परमिशन देगी और ये साल हमें अभ्यासक्रम शुरू करने देगी। डिजिटल कंटेंट जनरेशन मिशन के तहत विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय और संबंध संस्थानों के विज्ञापनों की पहचान करने भी पाठ्यक्रम के लिए ई सामग्री विकसित की है। हमारे पास हमें गौर है कि प्रोफेसर नेटक और उनकी पूरी टीम ने ई डिजिटल स्टूडियो प्रस्तावित करके उन्हें हम शिक्षकों को और कैप्टन डेवलपमेंट का प्रयास हम कर रहे हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी और बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय ने आकर्ष 2022-23 में 121 संबद्ध संस्थानों और 12 विश्वविद्यालय विभागों का विशेषज्ञों द्वारा अकादमिक ऑडिट किया है। हम एकेडमिक ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी रखते हुए मुझे आपने बताने खुशी होती है कि इस साल नेशनल रैंकिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमारे विश्वविद्यालय में 150 से 350 इनोवेशन में उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। विभिन्न विषयों के शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के परिसर में 11 अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित किए हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय ने विशेष रूप से स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में बहुत विषय का अनुसंधान को प्रस्तावित करने के लिए नीति के अनुकूल किया है। इसलिए अलावा छात्रों के अनुसंधान रिसर्च के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 12 रिसर्च फेलोज की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति माह 20,000 रुपए की फेलोशिप की है। इस समय हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। रिसर्च इनोवेशन में हमारे अथॉरिटी मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल से प्रोजेक्ट के द्वारा वाइस चांसलर रिसर्च फेलोशिप प्रमोशन स्कीम पर हमने लॉन्चिंग किया है, जिसका पूरा फायदा हमारे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम प्रोफेसरों को हो जाएगा। विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल के लगातार 2 वर्ष तक सक्रिय रूप से नवाचार गतिविधि का संचालन कर रहे हैं। हमें बताने में खुशी हो रही है कि 5 स्टार में से 3.5 स्टार हमें इस उपलब्धि में हमने विश्वविद्यालय हमारे में प्राप्त किया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में NS रैंकिंग, नवाचार और बाकी आदि चीज़ों का हम आयन पयन करते रहते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एक वाइब्रेंट लाइब्रेरी है, जहाँ ई बुक कंटेंट, ई कंटेंट और हमारे इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी की किताबों में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। विश्वविद्यालय के अध्यापक सदस्य नियमित रूप में प्रतिष्ठित पत्रकारों में, सम्मेलनों में और अपने पेपर प्रकाशित करते हैं, जिसे वर्ष संकाय सदस्य ने NCE स्कोपस और नेशनल ब्रांडिंग रिपोर्टर जर्नल में उनके रिसर्च पेपर प्रदर्शित किए हैं। अध्यापक सदस्य जो रिसर्च प्रोजेक्ट लिख रहे हैं और विभिन्न एजेंसियों के जो वृत्ति वहा करके रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रदर्शन रेटिंग में उचित ऐसा महत्वपूर्ण स्थान किया है। इसके परिणाम स्वरूप में कई सदस्यों ने विभिन्न उद्योग के अनुसंधान वित्त पोषण के जैसे AICTE, रूसा, बार्क, UOM एंड महाराष्ट्र सेट के माध्यम अच्छी मात्रा से साथ अप्री की है। विश्वविद्यालय हमने सेक्शन 8G कंपनी की स्थापना की है। प्रोफेसर नलबर और टीम ये कंपनी को आगे ले रहे हैं। धोरण ही हमारा इन विद्यार्थियों को रोजगार निर्मित करना, उस रोजगार निर्मित से उनको अध्ययन से आगे बढ़ाना है। मुझे आशा है कि हमने NEP 2020 के हिसाब से महाराष्ट्र देश और देश के बाहर एक राष्ट्रीय ज्ञानपन का हस्ताक्षर समझौते किए हैं, जिसमें मुझे बताने में खुशी होगी कि USA के की सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से हमने 4 MOU प्रस्तुत किए हैं। सावित्रीबाई फुले SNDT, राहुल कृषि विद्यापीठ और पुणे के YCMA टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से हमने MOU की है, जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट साथ रिसर्च एंड टीचर एक्सचेंज हो जाएगा। पुणे के ढांचे में हमारा संकल्प है कि हम इस विश्वविद्यालय से अनुसंधान केंद्र, इनक्यूबेशन केंद्र, कार्यशाला और SCST हॉस्टल का निर्माण, विद्यार्थियों को सुविधा और लैबोरेटरी अंडर दिस 5 रिसर्च स्किल इन द 5 डिफरेंट डिसिप्लिन में हम शुरू करने की नीम रखी है।
स्वयं प्रभा चैनल से ऑनलाइन की व्याख्या प्राप्त करने के लिए आईआईटी बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव रहो, महाराष्ट्र शासकीय पाव कार्यक्रम रहो या माननीय राजभवन के चारों प्रोग्राम रहो, हमारे साथ टीचर हो उसमें हृदय से और बहुत ही सही दिल से भाग लेते हैं और प्रदर्शित कर सकते हैं। अध्यापकों की उपलब्धियाँ अलग अलग विषयों में है, विजय सैयर, नर्बल वार, किवलेकर, दावत्रे मैडम जैसे और सऊदीया टीम, उनके बहुत सारे सहयोगी हैं, सबका नाम लेना उचित होगा नहीं, मेरे डिटेल भाषा में सबके नाम आ चुके हैं। तो इन सभी महानुभावों का, प्राध्यापकों और शिक्षकों का मैं सही दिल से अभिनंदन कर सकता हूँ और उन्होंने यहाँ थमना नहीं, आगे चल के और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से उनका काम का ठसा उठाना चाहिए। छात्रों की उपलब्धि में हम पीछे क्यों नहीं है, हमारी एनसीसी टीम और एनएसएस टीम प्रोफेसर भगत के लीडरशिप में एक बहुत बड़ी उम्मीद रख के पूरे भारत वर्ष में हमारा एक अलग अलग ऐसा नाम स्थापित कर रहे हैं। कुछ बच्चों से मैं चंद उनका मोटर से मिले सकता हूँ, गावड़े, अभिषेक शर्मा, ओमकार गोपाल बंसोड़, हर्षद परदेशी, संकेत, आनंद जुनकर, सालून के, इन सभी छात्रों ने अलग अलग कॉम्पिटिशन और रिसर्च के में भाग लेकर यूनिवर्सिटी का नाम और खुद का आध्यात्मिक और टेक्नोलॉजिकल कंसेंट बढ़ाने में मदद की है। विश्वविद्यालय के छात्र संघ अलोमनी हमारी रजिस्टर संस्था है, पूरे दुनिया में हमारे करीब करीब 300-400 छात्र इस हमारे अलोमनी से जुड़ चुके हैं। अलोमनी हमारे करंट ईयर के स्टूडेंट को, फाइनल के स्टूडेंट को हमेशा मार्गदर्शन करती है और मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये ही हमारा एक बेस स्वरूप जो रहेगा कि एनएपी 2020 महाराष्ट्र शासन, माननीय राजभवन और माननीय कुलाधिपति के मार्गदर्शन पे हम हमारे विश्वविद्यालय को एक तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में महाराष्ट्र में और देश में अग्रसर बनाने के लिए चाहते हैं, जिसके लिए हम फ्यूचर प्लान कुछ बना है जिसमें ग्लोबल प्रॉब्लम और रिसर्च प्रॉब्लम जो है हेल्थ, ग्लोबल वार्मिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, जियोस्पेटल टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी, एआई और मशीन लर्निंग के विकसित करते हुए विश्वविद्यालयों में विकसित करने के वाणिज्य और सामाजिक मूल्य वाला पेटेंट प्रकाशन करने, आईपीआर, रिसर्च प्रोजेक्ट, एकीकृत पीजी पीएचडी प्रोग्राम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यायन, एनआई पी रैंकिंग सुधार में नैक के लिए हम अभी अगले महीने में जा रहे हैं, रैंकिंग, क्यूएस रैंकिंग और वर्ल्ड रैंकिंग में हमें आगे कुछ चंद दिनों में भाग लेना है। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि यूनिवर्सिटी का ये पांचवा साल है टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर एप्लीकेशन महाराष्ट्र का, और गत वर्ष में हमारा स्टैट्यूट माननीय राजभवन ने अप्रूव किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कुलाधिपति जी का जिन्होंने अभी हमारा ऑर्डिनेंसेस और रूल्स रेगुलेशन भी हमें पारित कर चुका है। यूनिवर्सिटी एक्ट, स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंस से ट्रांसफर और कंप्लीट सोसाइटिकल एस्पेक्ट से काम कर रही है। मुझे पता है कि डिजिटल इंडिया में जाते हुए जो बच्चों को जो तकलीफें होती है डिग्री ऑनलाइन हासिल करने की, उसमें भी हमने पूरा 2012 से पहले तक पूरी डिग्री हमारे नैड पे उपलब्ध कर चुके हैं। अभी कुलाधिपति महोदय का दीक्षांत समारोह दीक्षा देने के बाद दूसरे सेकंड में ये सब डिग्रियां हमारे बच्चों के लिए ऑनलाइन मोड में उपलब्ध होगी, फिजिकल मोड ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध होगी। आज विश्वविद्यालय का 25वां दीक्षांत समारोह है और हम सभी भाग्यशाली है कि हमारे साथ कुलाधिपति माननीय रमेश जी भाई साहब आपको आशीर्वाद देने लिए उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है कि उनका मार्गदर्शन आपको नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए आपका मनोबल बढ़ाएगा। मैं इस विद्यालय के विकास के अपना निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए माननीय कुलाधिपति, माननीय चंद्रकांत जी दादा पाटिल और माननीय उदयसिंह सावंत साहब को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति मैं ऋण व्यक्त करता हूँ। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा के सभी प्राप्तकर्ताओं को बधाई देता हूँ और आपकी भव्य सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑनरेबल चांसलर सर, आई रिक्वेस्ट यू टू अवार्ड द डिग्रीज एंड डिप्लोमा टू द कैंडिडेट्स। पदवी और पदविका के पुरस्कार के लिए उम्मीदवारों को प्रस्तुत करने दें। Honorable Chancellor Sir, I request you to 339 candidates, including those in absentia who have completed the prescribed course of study during the academic year 21-22 and have been found fit for the award of diploma, and pray that they be admitted. I present to you, Sir, 19 candidates, including those in absentia who have completed prescribed course of study during the academic year 21-22 and have been found fit for the award of
advanced diploma and pray that they be admitted. I present to you, sir, 101 students, including those in absentia who have completed prescribed course of study during the academic year 21-22 and have been found fit for the award of degree of Bachelor of Vocations, and pray that they be admitted. I present to you, sir, 17,510 candidates, including those in absentia who have completed prescribed course of study during the academic year 21-22 and have been found fit for the award of degree of Bachelor of Technology, and pray that they be admitted. I present to you, sir, 3,561 candidates, including those in absentia who have completed prescribed course of study during the academic year 21-22 and have been found fit for the award of degree of Bachelor of Pharmacy, and pray that they be admitted. I present to you, sir, 132 candidates, including those in absentia who have completed prescribed course of study during the academic year 21-22 and have been found fit for the award of degree of Bachelor of Architecture, and pray that they be admitted. I present to you, sir, 495 candidates, including those in absentia who have completed the prescribed course of study during the academic year 21-22 and have been found fit for the award of degree of Master of Technology, and pray that they be admitted. I present to you, sir, 80 candidates, including those in absentia who have completed the prescribed course of study during the academic year 21-22 and have been found fit for the award of degree of Master of Pharmacy, and pray that they be admitted. I present to you, sir, 17 candidates, including those in absentia who have completed prescribed course of study during the academic year 21-22 and have been found fit for the award of degree of Master of Architecture, and pray that they be admitted. I present to you, sir, 13 candidates, including those in absentia who have completed prescribed course of study during the academic year 21-22 and have been found fit for the award of degree of Doctor of Philosophy, and pray that they be admitted. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार के आधार पर मैं आप सभी को संबंधित डिप्लोमा, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, प्रौद्योगिकी स्नातक की डिग्री, फार्मेसी स्नातक की डिग्री, प्रौद्योगिकी में वस्तुकला में फार्मेसी में मास्टर की डिग्री और इस विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के लिए अनुपस्थित रहने वालों सहित सभी को डिग्री प्रदान करता हूं और उसी के समर्था योग्य है यह घोषित करता हूं। सम्माननीय कुलाधिपति जी सभी उपाधि प्राप्तकर्ताओं को अनुशासन दिलाएंगे। सभी उपाधि प्राप्तकर्ता सम्माननीय कुलाधिपति जी के बाद प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं एक टेक्नोक्रेट, एक इंजीनियर, एक फार्मासिस्ट, एक वस्तुकार के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अच्छा रिपीट करेंगे और इंजीनियर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हमेशा ईमानदारी से प्रयास करूंगा। मैं हमेशा देश की सेवा और विश्वविद्यालय के गौरव के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अपने ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास करूंगा। सभी परिस्थितियों में मैं व्यक्ति की गरिमा और पेशे की अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद महोदय। अनुरोध है कि शिक्षाविद अधिष्ठाता
डॉक्टर एस एल नलवलवार जी सभी शोध उपाधि प्राप्त प्रत्याशियों को प्रस्तुत करें एवं माननीय कुलपति जी से विनम्र आग्रह है कि वे सभी शोध उपाधि प्राप्त प्रत्याशियों को उपाधि प्रमाण पत्र प्रदान करें। राजपूत जसवंत सिंह, लक्ष्मण सिंह, खड़तने अविनाश नामदेव, महाजन कुलदीप अरविंद, कामले सचिन गोरख, माने जयंत जगन्नाथ, रचित गर्ग, शिंदे बाबा साहेब ज्ञानोबा, जैन दीपक सुरेश, सदा फुले मनीषा गणेश, भीषे विशाल यशवंत, गिरी प्रशांत अशोक गिर, गुज्जर राहुल अशोक, धन्यवाद सर। रायगढ़ के पालक मंत्री तथा उद्योग मंत्री महाराष्ट्र राज्य उदयजी सामंत साहब से दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए विनम्रता से आमंत्रित करती हूँ। अच्छा, दीक्षांत समारोह वाला उपस्थित होते हैं महाराष्ट्र राज्य से सम्मान्य राज्यपाल आदरणीय रमेश जी भाई साहेब, महाराष्ट्र राज्य से उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग के मंत्री आम सगळ्यांचे मार्गदर्शक आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉक्टर कारभारी काळे सर, सर्व सन्माननीय व्यासपीठावरील मान्यवर उपस्थित विद्यार्थी बंधू आणि भगिनींना, सर्वप्रथम मी विद्यार्थ्यांना मनापासून या दीक्षांत समारंभाच्या शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या भावी वाटचालीसाठी उन्नतीसाठी देखील शुभेच्छा देतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा हा 25वा समारंभ आहे आणि या समारंभाच्या निमित्ताने जो जिल्हा रायगड जिल्हा ज्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी काम करतोय तो जिल्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पदस्पर्शाने देखील पावन झालेला आहे। या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने माजी आमदार वी आर अतुले साहेबांची मला आठवण येते आणि त्यांच्या संकल्पनेतनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ उभं राहायचं आणि आज माननीय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे मंत्री आदरणीय चंद्रकांत दादांच्या नेतृत्वाखाली हे फार मोठं झालेलं आपल्याला दिसतंय। मी माझं भाग्य समजतो की 5-5.5 वर्ष मी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा मंत्री होतो, मला देखील हे विद्यापीठ अतिशय जवळून बघता आलं, या विद्यापीठाच्या जडणघडणीचा आढावा देखील मला घेता आला आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्याचं जे स्वप्न होतं ते स्वप्न पूर्ण करण्यामध्ये माझा देखील खरीचा वाटा आहे, याबद्दल मला मनपूर्वक समाधान आहे आणि म्हणून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याच्या अगोदरच मला कुलगुरूंनी आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी एक विनंती केली होती, एक सूचना केली होती की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सभोवतालचा जो परिसर आहे
त्या सुशोभीकरणासाठी पैशाची आवश्यकता आहे आणि म्हणून मी राज्यपाल महोदयांच्या साक्षीला चंद्रकांत दादा आपल्या साक्षीला माझ्या डीपीसीतनं 1.5 कोटी रुपये त्या सुशोभीकरणाच्या निमित्तानं त्या विद्यापीठाला देणार आहे. आपण देखील रोजामधनं 1 कोटी रुपयाचा निधी त्या विद्यापीठाच्या प्रगतीसाठी अपग्रेडेशनसाठी दिलाय आणि मला खात्री आहे कोकणातलं विद्यापीठ देशातलं तंत्रशास्त्रातलं 1 नंबरचं विद्यापीठ बनेल त्याची मला पूर्ण खात्री आहे. पुन्हा एकदा जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आदरणीय राज्यपाल महोदयांना या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद देतो. तथा आपल्याला देखील मनापासून धन्यवाद देतो आणि कारभारी कार्यसरांनी मला या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची संधी दिली त्याबद्दल त्यांचे देखील आभार मानून सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहेब. माननीय कुल सचिव महोदय जी से निवेदन है कि वे आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय चंद्रकांत जी दादा पाटिल राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय जी का परिचय दें तथा उन्हें दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए कृपया आमंत्रित करें. ऑनरेबल चांसलर सर एंड गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र श्री रमेश जी बैस सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर कारभारी काळे सर, चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज फंक्शन ऑनरेबल मिनिस्टर श्री चंद्रकांतजी दादा पाटील सर, टुडेज गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल मिनिस्टर श्री उदयजी सावंत साहेब, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिल अँड अकॅडमिक कौन्सिल ऑफ द युनिव्हर्सिटी, डीन्स ऑफ द युनिव्हर्सिटी, प्रिन्सिपल्स ऑफ द अफिलिएटेड इन्स्टिट्यूट, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, फॅकल्टी अँड द स्टाफ मेंबर्स ऑफ द युनिव्हर्सिटी, डिग्री रिसिपियंट स्टुडंट्स, their parents, their today's guests and press and media. It gives me immense pleasure to introduce our today's chief guest, Honorable Minister Sri Chandrakantji Dada Patil. Sri Chandrakant Dada Patil is a Minister of Higher and Technical Education, Textiles, Parliamentary Affairs in the Government of Maharashtra. Earlier, he has also handled the important ministries such as Revenue, Relief and Rehabilitation, Public Works, Cooperation and Agriculture in the capacity of Cabinet Minister. As the Minister of Higher and Technical Education, we had an opportunity to be associated with him closely. He has been the instrumental in the implementation of the NEP 2020 in the state of Maharashtra. It is because of his efforts that the state of Maharashtra has become pioneer in the implementation of the NEP and the educational reforms. He has taken many revolutionary decisions for the welfare of the students and the universities of the state. He has keen eye and regular follow-up for the development of higher and technical education in the state of Maharashtra and for the university also. He has a special affection with our university as this is the only state technological university of Maharashtra. He is always helpful to the university for various development plans of the university. He has focused to strengthen the university throughout recruitment drive for the teaching and non-teaching staff, development of the various regional centers and sub-centers of the university. It is because of his initiative that many of the state universities has agreed to give us 1 acre land for the development of the regional and sub-centers, and few others are in progress. He has been kind enough and very liable to give funds and premises for the development of the university, and we hope he will continue the same support for the university development. I thank you for accepting our invitation as a chief guest for the 25th convocation of Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, and I invite him to deliver the convocation address, please. Thank you, sir. Sarvana namaskar. Maharashtra ke Rajyapal आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलपती माननीय श्री रमेशजी बैस, पालकमंत्री तथा महाराष्ट्र शासनाचे उद्योगमंत्री श्री उदयजी सामंत, कुलगुरु डॉक्टर कारभारी काळे, कार्यकारी परिषद व उद्योग परिषद सदस्य आणि निमंत्रित पाहुणे, पदवीधर विद्यार्थी आणि त्यांचे गर्भित पालक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक आणि वृत्त माध्यमांचे प्रतिनिधी, बंधू आणि भगिनी, 25व्या दीक्षांत समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून आपल्याशी संवाद साधताना मला खूप आनंद होत आहे. छत्रपतींनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याची राजधानी व आपल्या सर्वांच्या अस्मितेचे क्षेत्र असलेल्या ऐतिहासिक रायगड किल्ल्याच्या परिसरात विद्यापीठ आहे. मी आपल्या सर्वांना नेहमीच प्रेरणा देतो. 14 तळे महाडेतून समतेच्या कार्याची सुरुवात करणारे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर
त्यांच्या कार्याला आपण सर्वजण ओळखतो आणि त्यांच्याच नावाने विद्यापीठ बसलं आहे. ही मोठी अभिमानाची बाब आहे. पुणेरे हे शिक्षणासाठी इतके सुंदर ठिकाण आहे जे शहरी जीवनाच्या क्षेत्रामधून थोडं वेगळे पण प्रदान करते. रायगड हे असे ठिकाण आहे जिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक हा 350 वर्षापूर्वीच्या कालावधीतील उल्लेखनीय आणि वैशिष्ट्यपूर्ण अध्याय. मला तुम्हाला सर्वांना सांगताना अतिशय आनंद होत आहे की 350 राज्याभिषेक दिनाच्या निमित्ताने शासन या विद्यापीठ परिसरात शिवसृष्टी उभा राहणार. त्याचं सर्व श्रेय ते प्रमुखाने रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदयजी सामंत यांना जातं. तेरेकोड या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना महाराज व त्यांची दूरदृष्टीची ओळख होईल. त्या निमित्ताने महाराजांचे अरमान सांभाळणारे अरमान प्रभू कान्होजी आंग्रे यांच्या नावाने कान्होजी आंग्रे अध्यासन केंद्र या विद्यापीठात उभारणार आहोत. याद्वारे विद्यार्थ्यांना सागरी तंत्रज्ञान, युद्धकला, इंटरनेट यांची सखोल माहिती होईल. त्या विद्यापीठाचा गेल्या काही वर्षांमधला प्रामुख्याने गेल्या वर्षभरातला प्रगतीचा अनेक गुरुमुरुने आपल्या सगळ्यांसमोर मांडला. मला त्याचा खूप आनंद आहे, अभिमान आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये बाकीच्या फॅकल्टीज महत्वाच्या आहेतच, परंतु आगामी काळामध्ये सर्व जगभर आवश्यक आहे की प्रामुख्याने डिप्लोमा होल्डर, डिग्री होल्डर, ग्रॅज्युएशन करणारे इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी, सगळा देश प्रामुख्याने सगळ्या जगातले जे देश श्रीमंत आहेत त्यांनी प्रामुख्याने इनोव्हेशनवर भर दिला. इनोव्हेशनच्या माध्यमातून जे शोध लागले त्या शोधाची पेटंट मिळवली आणि त्या पेटंटची रॉयल्टी मिळवण्यामध्ये हे देश सगळे श्रीमंत झाले. आपला देश त्या मनाने इनोव्हेशन मध्ये मागे आहे. स्वाभाविकपणे पेटंट आपल्याकडे नाही, त्याच्यामुळे स्वाभाविकपणे रॉयल्टी नाही. तर प्रत्येक गोष्ट ही इतरांकडून घेऊन त्याला वर्षानुवर्ष रॉयल्टी देण्यामध्येच आपण आपली सगळी पुढची खर्च करत आहे. आणि त्यावेळी आगामी काळामध्ये त्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदींची एकूणच शिक्षण क्षेत्राबद्दलची अपेक्षा आहे, परंतु प्रामुख्याने तंत्र शिक्षण याच्याबद्दलची अपेक्षा मोठी आहे. मग ते स्किल डेव्हलपमेंट असेल, मग ते आय टी आय असेल, मग ते पॉलिटेक्निक असेल, ते इंजिनिअरिंग असेल, ते फार्मसी असेल, ते त्याच्यातून निर्माण होणारा विद्यार्थी हा केवळ नोकरी या भूमिकेतून पदवीधर झालेला नाही, पदव्युत्तर झालेला नाही किंवा त्याची पीएचडी मिळवून नाही, नोकरीच्या बरोबरच त्याला काही शोधायचं आहे, सगळ्या जगाला उपयोगी पडणार काही द्यायचं आहे त्याला. ती त्याची मानसिक भूक जशी आहे की काहीतरी मला शोधायचं आहे, पण त्या मानसिक भूकेमधून खरं म्हणजे सगळ्या जगाला तंत्रज्ञान मिळणार आहे. त्या तंत्रज्ञानाच्या पेटंटमुळे आणि रॉयल्टीमुळे आपला देश श्रीमंत होणार आहे. आज जवळजवळ संपूर्ण जगातले जेवढे म्हणून कॉर्पोरेट आहेत त्यातल्या बहुतांश कॉर्पोरेटचे सीईओ हे भारतीय मूळ वंशाचे आहेत, म्हणजे ते भारतात जन्मला जरी आहेत किंवा त्यांचे आई वडील वर्षानुवर्षी झाल्यामुळे जन्म त्यांचा विदेशात झाला आहे, पण ते मूळ भारतीय वंशाचे आहेत. याच कॉर्पोरेटमध्ये आगामी काळामध्ये त्यांचा जो कर्मचारी वर्ग आहे तो भारतीय असावा असं केवळ सीईओ नात्याने त्या भारतीय तरुणाचा किंवा तरुणीचा आग्रह नाहीये, तर तो देशाचा आग्रह आहे. या देशामधला तरुण तरुणी हा हुशार आहे, तो मेहनती आहे, तो प्रामाणिक आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे 2-3 वर्ष विदेशात राहायला लागल्यानंतरही तो होमसिक नाहीये, सारखा पळतोय आपल्या घराकडे असं नाहीये, पण त्यामुळे तो त्यांना हवा आहे. पण तो स्वाभाविकपणे प्रामाणिकपणा वगैरे नंतर पण तो प्रशिक्षित हवा आहे, टेक्नॉलॉजीतील साऊंड हवा आहे. म्हणून आपल्या विद्यापीठाची भूमिका फार महत्वाची आहे आणि आज पास झालेल्या विद्यार्थ्यांची पण या दृष्टीने खूप मोठी भूमिका आहे. कुठल्या आणि कुणा एकदा टाटामध्ये नोकरी लागली, कुठल्या आणि कुणा एकदा बजाजमध्ये नोकरी लागली, आयुष्य सुखाचं नाही, पण तेवढ्या पुरतं आपल्याला आपल्यावर सरकारने इतका पैसा खर्च केला नाही. तर आपण ते नवीन शोधावर जे मानवजातीला उपयोगी पडेल, त्याचं जीवन सुसह्य व्हायला उपयोगी पडेल आणि सगळ्यात मध्ये देश श्रीमंत होईल. त्यामुळे आज ज्यांना पदवी मिळालेली आहे, ज्यांना वेगवेगळ्या विषयाचे पीएचडी मिळालेले आहे, त्या सगळ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. विद्यापीठाचंही एका अर्थाने भौगोलिक थोडस दूर असून सुद्धा सगळे कॉन्सन्ट्रेट करून आपल्या विद्यापीठातून चांगले विद्यार्थी कसे बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतात. शासन पूर्णपणे आपल्या पाठीशी आहे. एक मुद्दा वारंवार कुलगुरु महोदयाने मांडला किंवा आम्हाला वेगवेगळ्या विद्यापीठामध्ये सबसेंटरसाठी जागा द्यायचं मान्य केलं होतं, मी ताबडतोब सगळ्या विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना आदेश काढलेला आहे. त्याप्रमाणे त्या त्या विद्यापीठाने विद्यापीठाच्या तुमच्या कुलगुरूंबरोबर कॉर्डिनेशन करून जागा द्यायला सुरुवात केलेली आहे. ती जागा मिळाल्यानंतर तिथे सबसेंटर बांधायला आम्ही मदत करू. त्याच्यावर आगामी काळामध्ये मातृभाषेतून शिक्षण मिळावं यासाठी प्रयत्न, चांगलं शिक्षण मिळावं यासाठी प्रयत्न विद्यापीठ करेल असा मला विश्वास वाटतो.
महामहिम राज्यपाल महोदयांनी सुद्धा या या विषय या कार्यक्रमासाठी वेळ काढला, त्याचे मी आभार मानतो. माझं बोलू एक प्रेरणादायी संबोधन एवं प्रबोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय का बहुत आभार एवं धन्यवाद. माननीय कुलपति महोदय जी से निवेदन है कि वे सम्माननीय कुलाधिपति जी से दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए कृपया अनुरोध करें. I request honorable chancellor श्री रमेश भाई जी सर to address the gathering. धन्यवाद सर. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पुणेरे का 25वां वार्षिक दीक्षांत समारोह में उपस्थित श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उदय सामंत जी, पालक मंत्री रायगढ़ डॉक्टर कारवारी काले जी, कुलपति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद और विद्या परिषद के सदस्य, आमंत्रित अतिथिगण, स्नातक छात्र और छात्राएं, उनके माता पिता, शिक्षक और कर्मचारीगण, देवियों और सज्जनों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होने के नाते विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है. इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं और स्वर्ण पदक विजेता छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं. सभी छात्र छात्राओं के माता पिता तथा अभिभावकों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं. यह विश्वविद्यालय महाड और रायगढ़ ऐसे दो ऐतिहासिक स्थानों के समीप है. यह दोनों स्थान हम सभी के लिए प्रेरणादायक है. रायगढ़ वह स्थान है जहां हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसी जिले के महाड से चौदह तालाब से समानता के अपने कार्य का प्रारंभ किया. यह अत्यंत गर्व की बात है कि इस विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया है. मैं भारत माता के इन दोनों महान और क्रांतिकारी सपूतों को नमन करता हूं. बड़े ही सौभाग्य की बात है कि पंडित नेहरू की कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे डॉक्टर सीटी देशमुख, आचार्य विनोबा भावे, क्रांतिवीर श्री वासुदेव बलवंत फड़के, महामहोपाध्याय दंतोवामन पोद्दार, श्री पांडुरंग शास्त्री जी अडवाणी जी, श्री नाना साहब धर्माधिकारी आज समाज सुधारकों की जन्मभूमि रायगढ़ जिले में है. कुलपति डॉक्टर कारवाली काले जी की रिपोर्ट से विश्वविद्यालय के कार्य तथा भावी संकल्पनाओं के बारे में जानकारी मिली. आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संशोधन में देश के एक श्रेष्ठ स्थान के रूप में उत्कृष्ट प्राप्त करने का भरसक प्रयास करें. राष्ट्र निर्माण कार्य में इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, आर्किटेक्ट्स, फार्मेसी वैज्ञानिक आदि का योगदान अनुपम है. इंजीनियरों ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि शिक्षा, बैंकिंग, विपणन और दूर संचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में बहुत योगदान दिया है. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण, इंटरनेट, स्मार्ट डिवाइस और डिजिटल भुगतान प्रणाली सहित तकनीकी प्रगति में इंजीनियरिंग ने बड़ी भूमिका निभाई है. आज भारत को विश्व में आईटी गुरु माना जाता है. यह नई पहचान भी हमें इंजीनियरों ने दी है. किसी और चीज से ज्यादा इंजीनियरिंग शिक्षा आपको
विभिन्न समस्याओं को हल करने के कौशल से लैस करती है। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने वाले विश्वकर्मा ने आपके द्वारा खोजे जाने वाले समाधान और भविष्य में आपके द्वारा बनाई जाने वाली प्रौद्योगिकियां जनमुक्त और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। आज हम अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं और उनका उन्नयन भी कर रहे हैं। हम अक्षय ऊर्जा, ई गतिशीलता, इथेनॉल मिश्रित ईंधन और हरित हाइड्रोजन में नई पहल कर रहे हैं। कोविड महामारी ने दिखाया है कि लोग नई तकनीकों को काफी तेजी से अपना सकते हैं और सीख सकते हैं। हमने दुनिया को समयबद्ध तरीके से कोविड टीकों का विकास कर दिखाया है और दुनिया को मुफ्त में मुहैया कराया है। यह हमारे अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का ही एक चमत्कार है। प्रिय स्नातक विद्यार्थियों, आज की दुनिया में प्रौद्योगिकी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, पर्यावरण और भू राजनीतिक आयाम है, यह लगातार विकसित हो रहा है और हर क्षेत्र को लाभान्वित कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए नवीन तकनीकों के साथ सामने आएंगे और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे। आपको विशेष तौर पर वंचित वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों और विशेष सहायता की आवश्यकता वाले अन्य लोगों के लिए इंजीनियरिंग संसाधनों के बारे में भी सोचना चाहिए। महिलाओं ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में महान योगदान दिया है। हालांकि महिलाओं की संख्या पुरुषों के अनुपात में कम दिखती है, हमारे पास प्रेरणादायक महिलाओं के उदाहरण है जो बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रही है, स्टार्टअप शुरू कर चुकी है और दूरसंचार, आईटी, विमानन, मशीन डिजाइन, निर्माण कार्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य सभी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से योगदान दे रही है। इस वर्ष के सिविल सर्विस परीक्षा में पहले 10 संपर्क में 6 महिलाएं हैं। प्रिय मित्रों, कई भारतीय छात्र उन्नत देशों को उच्च शिक्षा के लिए चुनते हैं। हमारे छात्र बड़ी संख्या में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस और कई अन्य देशों में उच्च अध्ययन के लिए जाते हैं। कुछ लोग अनुसंधान करना जारी रखते हैं और अपने पढ़ाई के बाद वे लोग वहां विदेशों में ही रहना पसंद करते हैं। यह विशाल प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन का कारण बनता है। हमारे कई IITM दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं। हमें अपने साथ उत्तर विभाग और अनुसंधान संस्थानों को विकसित करने की आवश्यकता है। हमें उद्योग और विश्वविद्यालयों के बीच मजबूत बंधन बनाने का भी जरूरत है। हमें अपने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों के विकास में पूर्व छात्रों को भी शामिल करने की आवश्यकता है। इस दिशा में मैं वाइस चांसलर से भाटू के पूर्व छात्रों के पूर्व छात्र संघ बनाने के लिए कहूंगा। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर पूर्व छात्रों को आमंत्रित करें और विश्वविद्यालय के विकास के लिए उनके सुझाव लें। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत को अपने कुशल मानव संसाधन के लिए पहचाना जा रहा है। यह हमारे DNA के लिए सराहनीय बात है कि हम भारतीय बहुत तेजी से किसी भी कौशल को अपनाते हैं। आज दुनिया के कई देश, खासकर अधिक उम्र दराज वाले आबादी वाले देश, कुशल मानव संसाधन की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। अकेले जर्मनी को भारत से लगभग 4 लाख कुशल जनशक्ति की आवश्यकता है। मैं वाइस चांसलर से आग्रह करूंगा कि वे नियुक्ताओं से यह जानने की कोशिश करें कि वे किस तरह के कौशल की तलाश कर रहे हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय को अपने स्वयं के कार्यक्रम
डिजाइन करने चाहिए, यह हमारे छात्रों के लिए 100% प्लेसमेंट सुनिश्चित करेगा। मुझे नहीं लगता कि दुनिया को हर जगह हाई एंड स्किल्स की जरूरत है, वे स्मार्ट कौशल की तलाश कर रहे हैं जो प्रयासों और श्रम को बचाएगा। कई वर्षों तक हमने ऐसे स्नातक तैयार किए हैं जो नौकरियों में रुचि रखते हैं। देश को अब एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप लीडर्स और इनोवेटर्स की जरूरत है, तभी हम आर्थिक महाशक्ति बन सकते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जब मैं छात्र था तो दुनिया मेड इन जर्मनी उत्पादों का इस्तेमाल करती थी, फिर वहां एक दौर आया जब मेड इन जापान का लाया, गुणवत्ता का पर्याय बन गया। हाल के वर्षों में बाजार मेड इन चाइना उत्पादों से भर गए। मेरा मानना है कि 21वीं सदी भारत की है, हम दुनिया को बेहतरीन उत्पाद और सेवाएं दे सकते हैं जो मेड इन इंडिया होंगे। सशक्त बनिए और दूसरों को भी सशक्त बनाइए। केवल अपनी सफलता और स्वतंत्रता से संतुष्ट न हो, आपका राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के प्रति कर्तव्य है। आप तो अपनी प्रतिभा और तकनीकी क्षमताओं का उपयोग व्यापक भलाई के लिए करना चाहिए। प्रौद्योगिकी का लाभ दूर दराज के क्षेत्रों और गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल विभाजन को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। आपके माध्यम से हम एक समावेशी पर्यावरण के अनुकूल स्मार्ट और प्रौद्योगिकी संचालित भविष्य में छलांग लगा सकते हैं। संक्षेप में, प्रौद्योगिकी का उपयोग सामाजिक न्याय के साधन के रूप में किया जाना चाहिए। मैं आप सभी के उज्ज्वल और सफल भविष्य की कामना करता हूँ। स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक सरकार की पहलों में आपके हितों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के अपार अवसर है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि यह देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसने NEP 2020 के तहत अधिकांश पालों को अपनाने के लिए प्रयास किए हैं और उन्हें अपनाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आपको आपके सुनहरे भविष्य के लिए फिर से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपने प्रेरणादायी शब्दों से हम सभी को अनुग्रहित करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय जी का बहुत बहुत आभार। अब माननीय कुलसचिव महोदय जी से निवेदन है कि वे सम्माननीय कुलाधिपति जी से दीक्षांत समारोह समापन करने की घोषणा का अनुरोध करें। ऑनरेबल चांसलर सर, आई रिक्वेस्ट यू टू डिक्लेयर द कॉन्वोकेशन क्लोज। मैं दीक्षांत समारोह समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। समारोह का समापन पसायदान और राष्ट्रगीत से होगा। सभी से विनम्रता से अनुरोध है कि पसायदान एवं राष्ट्रगीत के सम्मान में सभी खड़े हो जाए। धर्म सूर्य
शोभा यात्रा सम्मेलन मंडप से बाहर जाने तक कृपया खड़े रहें।